LG का बोर्ड जो खराब हो गया हो चुका था, हमने दूसरा सर्किट लगाया, इसमें स्पिन करेंगे स्टार्ट। इसका सर्किट नहीं बना, हमने सेकेंड हैंड सर्किट डाला है इसमें, LG का सेम मॉडल। LE एरर आ रहा है इस मशीन में, इसका PCB खराब था, हमने PCB चेंज किया। अभी PCB चेंज करने के बाद LE एरर शो कर रहा है, आपको एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों आ रहा है LE एरर। अगर LE एरर आता है मशीन में, खोलेंगे हम, यहाँ पे 10 नंबर का स्क्रू लगते हैं, इसको टिपाना से खोलना पड़ेगा, इस तरह का टिपाना।
ये जो सेंसर है, ये सेंसर चेंज करना पड़ेगा एलई के लिए। और ये तीन वायर जो देख रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी, अगर ये मोटर ख़राब है तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगा तो भी एलई आएगा, ये सेंसर ख़राब है तो भी एलई आएगा। अभी हम ये सेंसर चेंज करने वाले हैं, ये नया सेंसर हम लगाने वाले हैं तब इसको, तो इसको खोलना है इस तरह से। और यहाँ पे लॉक है, हमने चेंज कर दिया है, अभी हम फिट करेंगे अभी इस वक्त। हमने अभी चेंज किया है ये मोटर में जो लगता है, अभी हम स्पिन चेक करेंगे। इसमें एली एरर आ रहा था और आवाज भी आ रहा था बीच बीच में घर घर। हमने एली के लिए सेंसर चेंज किया हमने, जो मोटर में कनेक्ट होता है। अभी इस मशीन में एली नहीं आएगा क्योंकि हमने सेंसर चेंज किया है। एली के तीन कारण है, एक ये सेंसर, दूसरा मोटर और तीसरा पीसीपी। तो मोटर में कंटिन्यूटी तीनों में आता है तो ये पार्ट चेंज करना है। हमने पार्ट चेंज किया, अभी इसमें एली नहीं आएगा। अभी ये मशीन ओके हो चुका है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।